चलता रखती है। अभी जो एक दो जिलों में जो खबर आई है कि स्ट्रांग रूम 28 तारीख रात और 29 तारीख सुबह जो पोल्ड ईवीएम जिसमें वोट पड़े हैं वो ईवीएम वीवीपैट बंद होने के बाद कुछ जिलों में जो उपयोग में नहीं लाए गए मशीन और रिजर्व का मशीन एक या दो दिन के देरी से वापस आए हैं फील्ड से, जहां पर भी वो रखे गए थे वो एक या दो दिन वो या तो तहसील के कोषालय में रखे गए थे या सेक्टर ऑफिसर की गाड़ी में रखे हुए थे जब वो लौटाया या थाने में रखे हुए थे। तो इन मशीनों को वापस लाकर उनको 29 तारीख को जमा करना था उस वेयर हाउस में उस गोदाम में, तो 29 की जगह एक दो दिनों में एक दो दिन लेट से उन्होंने जमा किया। और वहां पर भी हमने पूरी प्रोटोकॉल फॉलो की है। प्रोटोकॉल क्या है कि जब भी आप मशीन किसी रूम में रखते हैं तो कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, उसकी वीडियोग्राफी होती है और वीडियोग्राफी के साथ साथ कैंडिडेट्स से उन मशीनों का मिलान किया जाता है कि चूंकि सभी कैंडिडेट्स को हमने किस किस विधानसभा क्षेत्र में किस किस सीरियल नंबर के मशीन उपयोग में लेंगे वो हमने कैंडिडेट्स को बताया। कैंडिडेट्स को यह भी बताया कि कौन कौन से सीरियल नंबर के मशीन मतदान केंद्र में उपयोग होंगे और कौन कौन से सीरियल नंबर के मशीन रिजर्व के रूप में रखे रहेंगे, वो भी उनके पास है। तो जब ये उपयोग में नहीं लाए गए और रिजर्व के मशीन वापस आए तब उन सीरियल नंबर्स का भी मिलान किया गया और कैंडिडेट्स के संतुष्टि के पश्चात उन रूम में रखकर उस रूम को सील किया गया, उसकी वीडियोग्राफी भी कर दी गई है। जहां पर दो तीन जिलों के बारे में ये मामला सामने आया उन सभी जिलों का हमने रिपोर्ट वीडियोग्राफी के क्लिप के साथ और जो कैंडिडेट का जो पंचनामा और जो उनकी स्लिप वहां लगी है और जो मशीनों का नंबर मिलान किया गया इस सभी के साथ हमने रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेजा है। मेरा दूसरा मुद्दा काउंटिंग की व्यवस्था के बारे में है। काउंटिंग आप सभी को मालूम है कि 11 दिसंबर मंगलवार के दिन सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। काउंटिंग के लिए लगभग 15,000 काउंटिंग कर्मियों का, हमारे जो काउंटिंग में लोग जिनकी ड्यूटी लगती है लगभग 15,000 लोगों का प्रशिक्षण का कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा कैंडिडेट्स के एजेंट्स, इसमें काउंटिंग एजेंट्स नियुक्त होते हैं। काउंटिंग एजेंट्स को नियुक्त करने के लिए कैंडिडेट्स के द्वारा एक सूची 11 तारीख से 3 दिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाता है, फोटो सहित। काउंटिंग एजेंट्स की जो नियुक्ति पत्र है जो रिटर्निंग ऑफिसर जारी करते हैं उनके फोटो के साथ जारी करते हैं ताकि वो फोटो युक्त परिचय पत्र के साथ वो काउंटिंग सेंटर में सुबह प्रवेश करें। काउंटिंग के दिन प्रातः 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना प्रारंभ की जाएगी और पोस्टल बैलेट की गणना असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर एआरओ के टेबल पे होगी और जहां पोस्टल बैलेट ज्यादा होंगे वहां पर हम 3 एआरओ को लगाएंगे, जहां पोस्टल बैलेट कम है वहां 2 एआरओ के गणना से काम प्रारंभ हो जाएगा। पोस्टल बैलेट की गणना प्रारंभ होने के आधा घंटे बाद यानी 8:30 बजे हम मशीनों की गणना शुरू करेंगे और प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल लगाएंगे जिस पर मशीनों को लाकर हम गणना प्रारंभ करेंगे 8:30 बजे। जहां पोस्टल बैलेट है, वैसे हर जगह है पोस्टल बैलेट, तो हर जगह पर पोस्टल बैलेट की गिनती 8 बजे प्रारंभ होगी और 8:30 तक पोस्टल बैलेट की गिनती हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो पोस्टल बैलेट की गिनती जारी रहेगी और 8:30 बजे मशीनों की गणना प्रारंभ होगी 14 टेबल पर। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल है, तो यदि आपके विधानसभा क्षेत्र में 280 मतदान केंद्र है
तो आपके काउंटिंग के लिए 20 राउंड लगेंगे, है ना। प्रत्येक राउंड में 14 मतदान केंद्रों की गिनती होगी, तो उस हिसाब से राउंड फाइनल होंगे। ये राउंड वार कौन सा मशीन, कौन से मतदान केंद्र का मशीन कौन से टेबल नंबर पे आएगा, इसकी एक चार्ट बनती है जो पहले से ही काउंटिंग एजेंट्स को और कैंडिडेट्स को दी जाती है। अब प्रत्येक राउंड के बाद जब 14 टेबल से गिनती का शीट आता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास, तो रिटर्निंग ऑफिसर उस रिजल्ट को टैबुलेट करते हैं हर एक टेबल का, यानी हर एक मतदान केंद्र का। तो उन्होंने पहला राउंड में मतदान केंद्र क्रमांक 1 से लेकर मतदान केंद्र क्रमांक 14 तक जो वो टोटल करेंगे, जिसको हम टैबुलेशन शीट बोलते हैं, वो टैबुलेशन शीट का फोटोकॉपी करके कैंडिडेट को देंगे। उस टैबुलेशन शीट को वो वेरीफाई करेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर ऑब्जर्वर भी देखेंगे, वो साइन करेंगे। साइन करने के बाद उसकी फोटोकॉपी सभी कैंडिडेट्स को देंगे और उसको अनाउंस करेंगे। तो जब कैंडिडेट्स को फोटोकॉपी देके रिजल्ट माइक में अनाउंस करने के बाद दूसरा राउंड शुरू होगा। तो इस प्रकार जब एक राउंड खत्म होगा, उसका टैबुलेशन कंप्लीट होगा, तब दूसरा राउंड शुरू होगा। इस प्रकार जितने मतदान केंद्र उस हिसाब से उतने राउंड होंगे और उसके बाद लास्ट में टोटल करने के बाद रिजल्ट घोषित होगा। काउंटिंग हॉल के अंदर किस किस का प्रवेश है, वो कहाँ बैठ सकते हैं, कहाँ नहीं बैठ सकते, इसके बारे में स्पष्ट निर्देश है। सबके लिए अलग अलग कमरे बनाने की व्यवस्था है, उसमें प्रेस का भी एक अलग व्यवस्था है और प्रेस के लोगों को भी एक छोटे छोटे लॉट्स में, क्योंकि बहुत सारे वहां पर प्रेस के प्रतिनिधि ज्यादा हो जाते हैं, उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में उनको भ्रमण कराने का निर्देश है। तो वो हम आपको प्रवेश पत्र भी जारी करेंगे और हो गए कितने 6,500 प्रवेश पत्र आपको जारी किए गए हैं, तो आप उस काउंटिंग की प्रक्रिया देख सकते हैं। काउंटिंग में मोबाइल काउंटिंग परिसर के अंदर मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर के लिए अलाउड है, बाकी किसी के लिए मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, पत्रकार नहीं है। और और जो इस बार काउंटिंग में यह व्यवस्था है कि जो वीवीपैट मशीन इस्तेमाल किए गए उनमें से रैंडमली हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक वीवीपैट मशीन को खोलकर गणना की जाएगी। जब जो 14 टेबल पर लगाए उसमें जितने भी राउंड 20-25 राउंड खत्म होने के बाद, सारे मतगणना ईवीएम मशीन की होने के बाद, एक वीवीपैट का मशीन रैंडम पद्धति से चयन किया जाएगा। उसका भी एक प्रक्रिया निर्धारित है कि आप चिट बनाएंगे, जितने आपके मतदान केंद्र उतने चिट बनाएंगे, उसमें से एक चिट निकाला जाएगा, उस चिट में जो मतदान केंद्र का नंबर आया उसका वीवीपैट मशीन निकालकर उसमें सभी वीवीपैट के पर्ची एक एक करके निकालकर गिनती की जाएगी। क्योंकि वीवीपैट की पर्ची बहुत लाइट है, वो थर्मल पेपर, तो उसमें एक अलग से एक ग्रिल जैसा जाली वाला एक अलग से बनाने का उसमें निर्देश है, वो बनाया गया। तो ये 14 में से किसी एक टेबल पर रख के उसकी गिनती हम करेंगे, जो कैंडिडेट वगैरह देख सकेंगे। देखिए, जो काउंटिंग हॉल के अंदर कोई मोबाइल अलाउड नहीं है रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा। ये वीवीपैट का जो गिनती है वो गिनती करने के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। तो वहाँ ऐसे इंस्ट्रूमेंट मोबाइल कैमरे का रखने की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि सभी के पास मीडिया पर्सन के पास तो मोबाइल को रखे जाएंगे। काउंटिंग हॉल के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। नहीं तो हमारे जो मोबाइल है उसको कोई रखने की व्यवस्था है हॉल के अंदर रहेगा, मीडिया सेल तो रहेगा ना, मीडिया सेल दूर हम बनाते हैं। तो ये जो मेरा तीसरा मुद्दा है कि चुनाव लड़ने वाले जो चुनाव जो अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, वैसे 2,899 अभ्यर्थी हैं और हमने उनको उन सभी से कहा कि समय सीमा में वो अपना व्यय का विवरण
देते हैं, उनमें से 2367 अभ्यर्थियों ने समय समय पर समय सीमा में उन्होंने अपना खर्चा का ब्यौरा दिया है। 532 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने समय सीमा में नहीं दिया है, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है 532। उन 532 में 27 ऐसे हैं जिनके विरुद्ध समय सीमा पर नोटिस जारी करने के बाद भी खर्चा का विवरण नहीं देने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। कोई प्रश्न? खर्चा का है तो वो अगले चुनाव लड़ने के लिए भी डिबार हो सकते हैं। सवाल ये है कि हर आदमी ये जानना चाहते हैं, इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं भोपाल से लेकर दिल्ली से, आता सबको पता है दुनिया को। सवाल सब छोटा सा है, मतदान के दिन से मतगणना के दिन तक किस तरीके से ईवीएम सुरक्षित रखी जाती, क्या क्या क्लियर होती, वो एक मिनट में समझा दीजिए। जैसे वो लोग कह रहे हैं कि भाई मैं अभी तो मैंने बताया, मैं दोबारा बताऊंगा, एक बार बता दीजिए, मैं दोबारा बताऊंगा कि सुरक्षा की व्यवस्था ये है कि जो ईवीएम मशीन है वो फोल्ड जिसमें वोट डले हुए वो मशीन होते हैं, जो रिजर्व वाले मशीन अलग होते हैं, जिसमें वोट डले हुए हैं वो मशीनें आप सुनने रहे श्रीमान, आप जिसमें वोट डले हुए हैं वो मशीनें हमारे स्ट्रांग रूम में 51 स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं। 28 तारीख के देर रात 29 के सुबह के समय पर उस स्ट्रांग रूम को कैंडिडेट के समक्ष ऑब्जर्वर के समक्ष वीडियोग्राफी करते हुए उनको सील किया गया है। वो स्ट्रांग रूम उस समय से सील्ड है, 11 तारीख को सुबह 8 बजे से पहले उनको खोला जाएगा मतगणना के लिए। जो अलग स्टोर हाउस या वेयर हाउस जो जहां पर गोदाम में हमने उपयोग में नहीं लाए गए रिजर्व के मशीनों को रखा है वो अलग परिसर में है, वो अलग भवन में है, उसका अलग सील है और उसकी अलग सुरक्षा है, और उस कमरे को भी हमने कैंडिडेट्स के उपस्थिति में वीडियोग्राफी करते हुए उनको सील किया है। इनके 27 की सूची हम अलग से जारी कर देंगे। कौन कौन से ऑफिशियल हैंडल हैं जिन पर कि आम मतदाता और मीडिया के लोग देख सके, जो कि आपके बीच में कार को बाधा ना करें? देखिए आपके अकाउंट बाधित होते हैं, चलते नहीं है। देखिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा जो मतगणना का जो राउंड वाइज रिजल्ट है वो विधानसभा क्षेत्रवार आपको रियल टाइम में उपलब्ध हो। हमारा वेबसाइट और सोशल मीडिया और इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट, एक जेनेसिस सॉफ्टवेयर है, इन सभी का उपयोग करते हुए हम ये सुनिश्चित करेंगे आपको रियल टाइम में, जैसे हमने मतदान के दिन आपको पोलिंग परसेंटेज का जानकारी दी है वैसा हम उपलब्ध कराएंगे। अगले जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा मतगणना के पहले, उसमें मैं आपको वेबसाइट और उसका यूआरएल लिंक वगैरह दे दूंगा। आपका प्रश्न देखिए, कैबिनेट के बारे में हमारे पास कोई पत्र प्राप्त नहीं है। देखिए जो शासन के काम के संबंध में इलेक्शन कमीशन का ये निर्देश है कि कोई पॉलिसी निर्णय नहीं ले सकते हैं बिना इलेक्शन कमीशन के अनुमति का। देखिए ये जो जांच है कम या ज्यादा जो खर्चा वाला, उसकी जांच लगातार उन 14-15 दिन में हुई है जब उनका खर्चा चल रहा था, और उनका खर्चा पे नजर रखते हुए हमारे दलों के द्वारा वीडियोग्राफी और सर्विलेंस के माध्यम से उनका खर्चा पकड़कर जो उन्होंने नहीं दिया वो उनमें जोड़ते हुए कार्रवाई कर दी गई है। देखिए कैमरे के बारे में, जो सीसीटीवी कैमरे के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो सीसीटीवी कैमरा हम वहां लगाते हैं जहां पर कैंडिडेट्स को बैठ